हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन में लोटस मुद्रा क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मेडिटेशन पुराने समय से चली आ रही है। ऋषि मुनि इसे पहाड़ों पर, जंगलों में जाकर भी किया करते थे, परंतु आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में यह हर इंसान की जरूरत बन गई है। मेडिटेशन एक यूनिवर्सल पावर है, एक बेस्ट मेडिकेशन है। इसके द्वारा आप जो है नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। यदि आपको स्ट्रेस है तो आप थोड़ा काम फील कर सकते हैं। मेडिटेशन किसी चीज पर फोकस करना भी सिखाता है। स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। वह इससे अपनी स्टडी पर फोकस करना सीख सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करते हैं इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चैनल के, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। मेडिटेशन में लोटस मुद्रा का मीनिंग होता है दिल का केंद्र खोलने के लिए। यह डिजाइन किया गया है, यह एक हाथ का इशारा है। थेरोप्योटिक मुद्राओं की श्रृंखला में यह एक बहुत ही अच्छी मुद्रा मानी जाती है और इसे एक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। लोटस मुद्रा को इसके संस्कृत नेम से भी हम जानते हैं, इसे पद्म मुद्रा या पंकज मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रभावित करते हैं और चक्रों को अनब्लॉक करके उनको सक्रिय करते हैं, उनकी ब्लॉकेज को खोलते हैं। लोटस मुद्रा जो योगी होते थे पुराने समय में, वो आनंद के लिए, प्रेम के लिए और करुणा के लिए इसका प्रयोग करते थे। मेडिटेशन और आसन के अभ्यास के दौरान इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। लोटस मुद्रा जो है वो सुखासन जैसे आसनों के दौरान किया जाता है। लोटस मुद्रा करते समय टू परफॉर्म दिस मुद्रा, bring the hands together in front the heart center with the thumbs pointing in towards the chest, the palms, thumbs and the fingers touch, then spread the index finger, middle and ring finger wide like a lotus flower opening। इस मुद्रा को करने के लिए चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए अंगूठे के साथ हृदय केंद्र के सामने एक साथ लाना हथेलियां, अंगूठे और उंगलियां स्पर्श करते हुए, फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो मीडियम फिंगर है एंड रिंग फिंगर, उसको एक कमल की तरह खोलने के लिए खोलिए और फैला दीजिए। ये होगी लोटस मुद्रा।
इसको करने के लिए पैरों को सामने की तरफ फैलाकर मैट पर या जमीन पर बैठ जाएं। आपकी बैकबोन जो है वो सीधी रहे। राइट नी को मोड़ें और लेफ्ट थाई की थाई पर रख दें। ध्यान रहे कि जो आपकी एड़ी है वो एब्डोमिनम के पास हो और पांव का तलवा वो ऊपर की ओर हो। अब यही प्रक्रिया जो है वो आपको दूसरे पांव के साथ भी दोहरानी है। दोनों पैर को मोड़ें, पांव विपरीत थाई पर, हाथों को मुद्रा की स्थिति में घुटनों पर रखें। सिर व जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे। स्थिति में रहकर आप गहरी सांस लेते रहें। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये शरीर को शुद्ध करता है। आराम से करने से मन जो है वो आपका स्थिर रहेगा, काम रहेगा, कूल रहेगा। अल्सर और फीवर का इलाज करता है ये मुद्रा। दूसरों के प्रति अधिक प्रेम करना सिखाता है। आपकी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, मन को शांति मिलती है। आपके बीपी को, यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम रहता है तो उसे नियंत्रित करेगा। Water your spiritual roots so your soul can be blossom. आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। Kindly like, share, subscribe my channel and keep smile, stay fit, always keep smile on your face. Thank you very much.